कीड़ा निकला, गणपति बप्पा बोलिया। गुड मॉर्निंग। तो आज से मैं कुछ नया करने वाली हूँ, मतलब कि मैं थोड़ा सा वेट गेन कर चुकी हूँ इंडिया आके। ऑब्वियसली मेरे इंडिया के फूड में इतनी ज़्यादा ताकत है कि मेरा वेट बढ़ जाता है। तो मैं आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाली हूँ और हम करेंगे डेली एक्सरसाइज। मैं आपको बहुत अच्छे कुछ ईजी एक्सरसाइज दिखाने वाली हूँ वेट लॉस करने के, प्लस अपना ये स्टमक कम करने के। आज से 15 दिन का चैलेंज है और फिर आप देखोगे मेरा फ्लैट स्टमक। बट अभी ना मैं अपने दिन की शुरुआत करूँगी एक कप चाय से, चाय के बाद। यहाँ पर चाय बन रही है मेरी। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपनी फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग करने से आपकी बॉडी एकदम रेडी हो जाती है। आप एकदम से कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो मैं आज सिर्फ स्ट्रेचिंग करने वाली हूँ, अपनी बॉडी को वार्म अप करने वाली हूँ। एक्सरसाइज मैं कोई भी आज स्टार्ट नहीं करूँगी, सिर्फ मैं एटलीस्ट 2-3 डेज स्ट्रेचिंग करती हूँ, उसके बाद ही मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है एक्चुअल वाली। तो यहाँ पर मैं पूरा फुल बॉडी स्ट्रेच कर रही हूँ, हैंड का, वेस्ट का और लेग्स का और नेक का। पूरी तरह से हम बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे और थोड़ा सा हम एब्स करेंगे और उसके अलावा हम पुशअप करेंगे। यहाँ मैं प्लैंक कर रही हूँ। प्लैंक वैसे तो मैं बहुत अच्छा करती थी पहले, बट अभी छूट गया है सब कुछ 1-1.5 साल से, तो मुझे वापस रीस्टार्ट होने में टाइम तो लगेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप योगा करें या आप फिज़िकल एक्सरसाइज करें या आप जिम करें, बट ज़रूर करें, इससे आपके हॉर्मोन्स बैलेंस भी रहते हैं। गुड मॉर्निंग। तो मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी और आज है गणपति विसर्जन, तो उनका प्रसाद बनाते हैं और पूजा करके करते हैं गणपति जी बप्पा को। बाय बाय। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रवे के लड्डू, आज के मोदक और आज है गणपति विसर्जन। गणपति बप्पा की फूल माला बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे फ्लावर्स ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे और मम्मी तोड़ रही हैं यहाँ पर हरे हरे पत्तियाँ जो हम माला में बीच में लगाने वाले हैं। और यहाँ मैं आपको बताऊँ, मैंने जस्ट ये फ्लावर डाला ही था और ये देखो इतना बड़ा कीड़ा, इसे क्या बोलते हैं, इल्ली बोलते हैं ना आई थिंक, इतना बड़ा था ये। बाप रे, मैं डर गई, मेरा ना हिम्मत ही नहीं हो रही आगे की माला बनाने की। मैंने जैसे जैसे सुसाइड किया और बाकी माला कंप्लीट करने की कोशिश करी, बट मुझे इतना देख के डर लग रहा था तो मैं उसे पहले फेक कराई, फिर मैंने आगे की प्रोसेस करी। हो गई है मेरी माला कंप्लीट। जितने बड़े मेरे गणपति जी हैं उतने साइज़ की मैंने माला बनाई है। अब फटाफट चलते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। ये था बहुत ही इमोशनल टाइम। गणपति जी जा चुके हैं हमारे, अब यहाँ से विसर्जन उनका कंप्लीट हुआ, हम लोग उठाकर इन्हें ले जा रहे हैं ऊपर। जब तक ये पूरे इसमें समा नहीं जाए तब तक हम इन्हें वेट करेंगे। गणपति बाबा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया।
तो विसर्जन हुआ कंप्लीट और अब सारी डेकोरेशन हटाई जा रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन खुशी की बात यह कि फिर मेरा पार्सल आ गया था, तो मैंने कहा चलो अब सैड होने की जगह एक्साइटेड हो जाते हैं। अपना पार्सल ओपन करती हूँ। मैंने यहाँ पे नायका से बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं। फ़िलहाल अभी यहाँ पर जो आया है वो है मेरा हेयर प्रोडक्ट, यानी कि हीट प्रोटेक्टर। मैंने बोला था ना पहले वाले ब्लॉग में कि ये आने वाला है, तो ये हीट प्रोटेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखा है मैंने, इसके रिज़ल्ट सुने हैं, मतलब अब मैं देखने वाली हूँ। इसके साथ मुझे नायका ने कुछ प्रमोशन के लिए फ्री सैशे दिए थे, जो कि थे फाउंडेशन के सैशे, और एक चीज़ और थी यहाँ पर मेकअप की जो मैं अप्लाई करूँगी तब आपको बताऊँगी। फ़िलहाल मैं जाती हूँ, बाय।